नमस्कार, मैं रितु शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश के में। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको चित्रकूट के अन्य दार्शनिक स्थलों पर ले जाएंगे, तो चलिए हमारे साथ चित्रकूट के अन्य स्थानों पर। लोग ने जिनके सतीत्व की प्रशंसा की और उनके चरणों में अपने शीश झुकाए, ऐसी माँ सती अनसुईया भी इसी नगरी में वास करती है। स्फटिक शिला के लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा हुआ है एक आश्रम एकांत में स्थित है, जिसे अनसुईया आश्रम कहा जाता है। इसी आश्रम में सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनसुईया, दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर में बालक के रूप में जन्म लिया था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल उचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुध विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, यंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जहाँ भगवान राम की बात हो वहाँ भक्ति की अनूठी मिसाल, भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की बात ना हो तो कुछ ना कुछ अधूरा सा ही लगता है। तो चलिए हमारे साथ हनुमान दारा, जहाँ पे भगवान हनुमान निवास करते हैं। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है कि इसी तीर्थ से भक्त राज हनुमान की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु राम के दर्शन हुए थे। हनुमान दारा, खड़ी पहाड़ी सैकड़ों फुट ऊंचे पर्वत के शिखर पे यह स्थान है। यहाँ पर एक झरना भी है और कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान राम ने हनुमान जी की शीतलता के लिए करवाया था, जब वे लंका दहन कर वापस लौटे थे। यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं जहाँ से चित्रकूट के खूबसूरत दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। हनुमान धारा चित्रकूट का एक और पवित्र स्थल है, जहाँ के बारे में मान्यता है कि लंका दहन के उपरांत भक्त राज श्री हनुमान ने अपने शरीर की तपन को यहाँ की जल धारा से शांत किया था। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता रहता है। इसका जल शीतल और स्वच्छ है। वर्ष के 365 दिन यह जल बहता रहता है। यह जल कहां से आता है यह जानकारी किसी को भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को दमे की बीमारी है तो यहां का यह जल पीने से उसे लाभ मिलता है। हनुमान धारा में पवन पुत्र हनुमान जी की बहुत ही सुंदर दिव्य मूर्ति है। इसके दर्शन मात्र से ही हर व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिलती है तथा मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि लंका को जलाते समय अग्नि की लपटों से संतप्त श्री मारुति नंदन समुद्र में कूद पड़े थे, फिर भी उनके शरीर से आग के कारण उत्पन्न हुई वेदना दूर नहीं हुई थी। बोल बजरंग बली की। अब देखें आप लोग, हनुमान धारा नाम जगह स्थान उपस्थित है। ये नीचे हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं
और ऊपर से गंगा मैया चल रही है। 24 घंटे 12 महीने इन्हीं का नाम हनुमान धारा पड़ा। ये हनुमान जी महाराज लंका को जलाए थे। कोई लंका जलाने की दाह जलन हनुमान जी महाराज के हृदय में रहती थी। तब उसी के शांति के लिए भगवान राम जिस समय लंका इत्यादि विजय करके अवध का राज करके भगवान साकेत जाने लगे, उस समय हनुमान जी महाराज को श्री अवध धाम से लाके चित्रकूट में लाके ये स्थान प्रदान करते हैं और उसी समय अपना बाण मार के ये सरस्वती नाम की गंगा मैया प्रवाहित करते हैं। अब गंगा मैया का पता नहीं है कि ऊपर कहाँ से आती हैं, नीचे पता नहीं कहाँ जाके समाप्त हो जाती हैं, ना आने का पता ना नीचे जाने का पता। 24 घंटे 12 महीने हनुमान जी महाराज की बाई भुजा में गिर के लंका जलाने की दाह को शांत कर रही हैं। भगवान जी ने को स्थान धारा दिया है, उस समय भगवान की 5 वस्तुओं से पूजन किया है। पूजन किया है एक झंडा, एक लंगोटा, तेल सिंदूर और आटे का रोट। पूजा करके उनकी मर्यादा बनाई कि कलयुग में भक्त लोग आएंगे, हमारी की हुई पूजा को अपनाएंगे, उन भक्तों का कल्याण होगा। ऐसा नेम और महात्म है ये हनुमान धारा है। बोल बजरंग बली की जय। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान लला ने अपनी जलन की पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की और भगवान श्री राम ने उन्हें चित्रकूट में स्थित विंध्यगिरी पर निवास करने के लिए कहा था, जहां पर पर्वत से निकली हुई जलधारा अनावरत आज भी श्री हनुमंत लला जी के पवन देह की पलावित करती है। अतः यह स्थान हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान धारा प्राकृतिक शुष्मा से भरपूर है। भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे अधिक समय यहीं व्यतीत किया था। सीता रसोई वह स्थान है जहां माता सीता ने 5 ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। यह स्थान विंध्य पर्वत पर हनुमान धारा के ऊपर स्थित है। इसका पुराना नाम जमदग्नि पर्वत है। भगवान राम एवं लखन लाल जी के लिए माँ जानकी जी ने इस स्थान पर फलाहार तैयार किया था। ऐसी किंवदंती है कि इस स्थान को सीता रसोई के नाम से भी जाना जाता है। भरत मिलाप के बारे में हम सब ने कई बार सुना है, पर चित्रकूट की इस धरती ने इस दृश्य को देखा है जिसके प्रमाण आज भी मौजूद है। केकई के द्वारा श्री राम को वनवास दिए जाने पर जब श्री भरत अपने ननिहाल से अयोध्या पहुंचे तथा उन्हें भगवान श्री राम के वनवास की खबर मिली, तब अपने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं, मंत्रियों तथा राज्य के असंख्य नर नारियों को लेकर के भगवान राम को मनाने चित्रकूट आए थे और श्री कामदगिरी पर्वत के दक्षिण किनारे पर भगवान राम से उनका मिलाप हुआ। उनके मिलन की बेला पर दोनों भाइयों के करुणामयी प्रेम भाव से पर्वत का जड़ पाषाण भी द्रवित हो उठा, जिसके कारण पाषाण शिला में उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए थे। बंधुओं का यह मिलन भारतीय संस्कृति में स्नेह का जीता जागता स्वरूप है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में दिखाया है कि सारा विश्व इनके मिलन को अपलक नेत्रों से देखता रह गया था। तीन नदियों के संगम और भगवान राम द्वारा किए गए पिंडदान से इस धरती की महिमा और भी बढ़ जाती है। यह स्थान मंदाकिनी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ पर मंदाकिनी, सरयू और गंगा नदी का संगम है। इन तीनों नदियों के उद्गम स्थान पृथक पृथक है। मंदाकिनी अति मुनि के आश्रम से निकली है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री अति मुनि की पत्नी अनसुईया जी ने मंदाकिनी नदी को अपने तपोबल से प्रकट किया था। पैश्रवणी गंगा का उद्गम ब्रह्मकुंड है, जो श्री कामदगिरी के दक्षिण तट पर स्थित है। कामदगिरी के उत्तरी तट से ही सरयू का एक उद्गम है और यही तीनों नदियां मिलकर के प्रयाग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। रघुकुल भूषण श्री राम जी ने अपने पूज्य पिता के लिए यहीं पर पिंड दान किया था।
इसलिए उक्त स्थान को राघव प्रयाग कहा जाता है। भगवान राम ने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने दिव्य दर्शन इसी भूमि पर दिए थे, ऐसी कई सारी कहानियां यहाँ प्रचलित हैं। यहाँ पर एक कोटी मुनीश्वर भगवान श्री राम जी के दर्शनार्थ तप किया करते थे। उनके ऊपर प्रसन्न होकर के श्री राम जी ने सबको एक साथ दर्शन दिए। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। इस स्थल को सिद्ध आश्रम भी कहते हैं। अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, वायु आदि अनेक तीर्थ होने से इसे कोटि तीर्थ भी कहते हैं। कोटि तीर्थ से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर पर्वतीय मार्ग पर एक और स्थान है जहां देव कन्या ने अपार तप किया था। भगवान राम जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दिए थे और इसके संबंध में कई तरह की जनश्रुतियां प्रचलित हैं। विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं, मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह, सुंदरवन व गुफाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। कई किलोमीटर तक फैला शांत और सुंदर घने वनों का समूह ईश्वर की अद्भुत छटा से हमें अभिभूत करता है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य मन को छू जाता है। कई मंदिर, घाट, भगवान के नाम के जयकारे, साधु संतों के मंत्रोच्चार के स्वर, पौराणिक एवं धार्मिक मान्यताओं के स्थल बरबस ही आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का मनोरम, शांत और सुंदर वातावरण मन को कभी न भूल पाने वाली स्मृतियों में रमा देता है। विचित्रताओं और विभिन्नताओं वाले इस क्षेत्र पर कभी कल कल करती मंदाकिनी का सुंदर जल तो कहीं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का उन्मुक्त यौवन बिखेरती पहाड़ियां तो कहीं सुंदर गुफाओं में मौजूद नायाब नमूने हैं तो कहीं कई किलोमीटरों में फैले विशालकाय जंगल हैं। पर्यटक उन्हें देख करके अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। जहां पर्यटकों में सिर्फ तारीफ और सुंदर दृश्यों को देखने की प्रवृत्ति होती है, वहीं यहां आने पर उन्हें प्राकृतिक आनंद के साथ साथ धार्मिकता के भी दर्शन। अमावस्या, सोमती अमावस्या, दीपावली, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और रामनवमी पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। विशेषकर दीपावली और रामनवमी के अवसर पर इस स्थान पर भव्य और आकर्षक मेलों का आयोजन किया जाता है। दीपावली के दिन हजारों श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में दीपदान करते हैं। वनवास की अवधि समाप्त होने पर भगवान श्री राम का अयोध्या में जो राज्याभिषेक हुआ था उसकी याद में चित्रकूट के लोग घी के दिए जला करके मंदाकिनी में बांस की टट्टियों में रख करके प्रवाहित करते हैं और लाखों दीपों की ज्योति से मंदाकिनी का प्रवाह प्रकाशित हो उठता है। चित्रकूट की तपोभूमि हमें परम सुख और शांति की मधुर बेला की ओर ले जाती है, जो हमें सतयुग के मनुष्य की खुशहाल जीवन का स्मरण भी कराती है। यूं तो चित्रकूट प्राचीन काल से ही हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान रहा है, लेकिन श्री राम जी के 11.5 वर्ष तक यहाँ वनवास करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सदियों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है चित्रकूट। चित्रकूट की महत्ता का वर्णन पुराणों के प्रणेता वेद व्यास, आदि कवि कालिदास, संत कवि तुलसीदास और कविवर रहीम ने भी अपनी कृतियों में किया है। कस्बे से 18 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी आश्चर्यजनक स्रोत है। आश्चर्य का कारण यह है कि यहाँ 2 गुफाएं हैं। पहली बड़ी और चौड़ी है, पर इसके द्वार से मुश्किल से 1 व्यक्ति निकल पाता है। दूसरी गुफा से जल प्रवाह होता है, वह लंबी और सक्रिय है और कहा जाता है कि पहली गुफा में राम और लक्ष्मण अपना दरबार लगाया करते थे, जिसका प्रमाण है कि उस दरबार में चट्टानों से बनी उनकी गद्दियां भी हैं। Thank you.
भगवान राम ने इस धरती को अपनी साधना और शक्ति से अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संकल्प लिया। ये नगरी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चरणों से पुलकित है। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, पर आपसे वादा है कि हम आपको एक बार फिर से एक और दार्शनिक यात्रा पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।